ओके आज है प्रोपोर्शनल वोल्टेज फार्मूला इन सीरीज सर्किट्स। ठीक है, ये जो पूरे चैप्टर है ये पूरी स्लाइड्स हैं, दे आर रिलेटेड विद सीरीज सर्किट्स। और सीरीज सर्किट्स में आज का टॉपिक है प्रोपोर्शनल वोल्टेज फार्मूला। इस सर्किट को एनालाइज करें जो लेफ्ट साइड पे गिवन है। इस सर्किट में देखें, वी हैव अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 24 वोल्ट, वी हैव थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3। ओके, नोड्स भी गिवन है, ए बी सी डी आर द नोड्स। ओके, नाउ इफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इज V1, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R2 इज V2, एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R3 इज V3। तो अगर हमने V1 कैलकुलेट करना है तो V1 कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा V1 इज इक्वल टू V सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय R1, वो रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय R। R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह अगर वी हैव टू फाइंड V3 तो V3 का क्या फार्मूला होगा, इट इज इक्वल टू, यहां मैं लिख देता हूं, V3 इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज व्हिच इज 24 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस R3, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, टोटल रेजिस्टेंस से। ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल वोल्टेज फार्मूला। अब एग्जाम में 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन और राइट प्रोपोर्शनल वोल्टेज फार्मूला इन सीरीज सर्किट्स। तो आप क्या करेंगे, आप एक सर्किट ड्रॉ करेंगे जिसमें 3 रेजिस्टर्स बना देंगे एंड देन यू विल राइट V1, V2 एंड V3। इसमें एक चीज और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, ये जो सर्किट है ना, इट कैन आल्सो बी ड्रॉन इन दिस फॉर्म, जो बी लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये सर्किट ए है, ये कंप्लीट सर्किट है, इट कैन बी ड्रॉन इन दिस फॉर्म एज वेल। क्यों इस फॉर्म में, अब इन दोनों सर्किट्स ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम नोड्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए अप टू डी। ए पे हमने सोर्स ड्रॉ करने के बजाय लिख दिया है प्लस 24 वोल्ट्स एंड डी को ऑलरेडी हमने ग्राउंड कर दिया विच इज एट 0 वोल्ट। तो दोनों सर्किट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए समटाइम्स ही गिव सर्किट इन एग्जामिनेशंस इन इन द फॉर्म ऑफ ए और समटाइम्स इट गिव द सेम सर्किट इन द फॉर्म ऑफ बी। ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को आप सेम टेक्निक सेम फार्मूलाज लगा के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स, अच्छा अब आपने जब हम सीरीज सर्किट की एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो वोल्टेज हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, करंट रिमेन्स सेम, ये आपने याद रखना है, करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज सर्किट वेयर एज वोल्टेज इज डिवाइडेड अमंग रेजिस्टर्स। अब ये 100 वोल्टेज की सोर्स है हमारे पास गिवन सर्किट में एंड वी हैव 2 रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। अब ये जो 100 वोल्ट है ना, ये डिवाइड हो जाएंगे 150 ओम के ओम रेजिस्टर के अक्रॉस एंड 50 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। और डिवाइड कैसे होंगे, वो जो हमने लास्ट स्लाइड पे वोल्टेज प्रोपोर्शनल फार्मूला पढ़ा। अब फॉर एग्जांपल वोल्टेज अक्रॉस R1, it will be equal, voltage across R1 will be equal to source voltage that is 100 volt multiplied by 150 ohm divided by 200. ठीक है, 200 कैसे आया, 150 and 50 को add करके 202 से काट दें, ठीक है 75. So इस resistor 150 ohm के across we will have 75 volts. Source voltage 100 volt है. अब जो remaining voltage है 100 minus 75 that will come across 25 volts will come across 50 ohm resistance. So series circuit mein we can use series circuit to divide voltages.
एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है टू मार्क्स का कि गिव यूज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट और गिव एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ये एप्लीकेशन समझ लें केयरफुली। ये हमारे पास, ये जो मैंने सर्कल मैंने क्लोज किया, ये किसका सिंबल है, ये बीजेटी या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है और एनपीएन टाइप है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक एनपीएन बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। इसके तीन टर्मिनल होते हैं इस डिवाइस के, कलेक्टर, बेस, एमिटर। अच्छा, अब इस बीजीटी को, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को, किसी भी सर्किट में यूज करने के लिए हमें दो वोल्टेज सोर्सेस चाहिए। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होती है, कितनी, दो वोल्टेज सोर्सेस चाहिए। मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूं। ठीक है, ये हमारा बीजेटी आ गया, कलेक्टर, बेस एंड एमिटर। एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होती है कलेक्टर और एमिटर के दरमियान। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स बड़ी होती है, बिग वैल्यू की होती है, और एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होती है बेस एंड एमिटर के दरमियान। ठीक है, लेट्स सी, इट इज 10 वोल्ट एंड इट इज 2 वोल्ट। तो अब बीजेटी को यूज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, हाउ मेनी वोल्टेज सोर्सेज वी नीड 2 वोल्टेज सोर्सेज। लेकिन ये, इससे एक तो सर्किट का साइज बड़ा हो जाएगा और जो कॉस्ट है सर्किट की, गिवन सर्किट की, वो इंक्रीज हो जाएगी, लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 वोल्टेज सोर्सेज, हम वोल्टेज सोर्स एक ही यूज करते हैं, विच इज हियर, आप देख लें सर्किट में, प्लस वीसीसी 9 वोल्ट। ठीक है, और ये हमारे पास ग्राउंड हो गया, मीन्स ये सर्किट ऐसे है। यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया सिंगल, कितने का, 9 वोल्ट का। ओके, और हियर फॉर द बेस एंड एमिटर वी यूज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ये हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, देख रहे हैं, R1 एंड R2 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, 6 किलो ओम एंड 3 किलो ओम, और इनके सेंटर में से, दोनों के नोड M में से वी फीड इट आवर बेस। ठीक है, तो VCC जो था वो हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर, वी कॉल इट VCE, कलेक्टर एंड एमिटर वोल्टेज। और जबकि जो ये था वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर, वो हमने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को यूज करते हुए डिवाइड करके वो वोल्टेज वी हैव अप्लाइड ओवर द बेस। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 वोल्टेज सोर्सेज, वी आर यूजिंग ओनली सिंगल वोल्टेज सोर्स, 1 वोल्टेज सोर्स। तो ये एप्लीकेशन है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की। अच्छा, ये न्यूमेरिकल है, इसमें ये आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है, ये मैं इन पे आपको असाइनमेंट देता हूँ। ओके, ये अब सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारी इस गिवन स्लाइड्स का, ओपन्स इन सीरीज सर्किट। इस पे भी नोट लिखने के लिए आ जाता है, ये जो आपको, हमने जो लास्ट चैप्टर खत्म किया था सर्किट फंडामेंटल्स, और ये जो चैप्टर अभी चल रहा है सीरीज रेजिस्टिव सर्किट्स, और फिर आ जाएगा पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट्स, ये दो चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, मेजर पोर्शन एग्जाम का इन दो चैप्टर्स में से आ जाता है, इसलिए इनको आपने, इनकी वीडियोस बार बार देखनी है, टॉपिक को रिवाइज करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। ओपन्स इन सीरीज है, ओपन मीन ओपन हो जाना। सर्किट ए को देखें, ये सर्किट कौन सा हमारे पास, दिस इज सीरीज रेजिस्टिव सर्किट, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट की, एंड देयर आर टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, एंड दिस इज सीरीज रेजिस्टिव सर्किट। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, एग्रीड। अच्छा, अगर मैं ऐसा करता हूं कि इस सर्किट को यहां से डिसकनेक्ट कर देता हूं, कॉपर वायर को तोड़ देता हूं, ठीक है, इन दो नोड्स के दरमियान मैं दे देता हूं OC, OC स्टैंड्स फॉर ओपन सर्किट। ओके, तो फिर क्या होगा,
तो फिर सबसे पहला तो ये काम होगा, करंट इन द सर्किट विल बी ड्रॉप टू जीरो, जीरो एम्पियर हो जाएंगे क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, करंट विल स्टॉप फ्लोइंग। ओके नंबर वन। नंबर टू, अब ये पॉइंट आपने याद रखना है, पे फुल अटेंशन, कि इन केस ऑफ ओपन सर्किट जितना भी सोर्स वोल्टेज होगा ना, 12 वोल्ट है, इट विल अपीयर अक्रॉस ओपन सर्किट, ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे R1, R2, R3, R10 जो भी, उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप विल बी जीरो वोल्ट। जीरो वोल्ट क्यों हो जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं VR1 कैलकुलेट करता हूँ, इट इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाय I। R1 की तो वैल्यू है, करंट क्या हो गया जीरो, सो रिटर्न इज जीरो वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज इज अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स दे विल ड्रॉप टू जीरो, एंड सोर्स वोल्टेज, सोर्स पोटेंशियल विल अपीयर अक्रॉस, किसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, जहां पे हमारा ओपन सर्किट क्रिएट हुआ है, ठीक है, वी कॉल इट ओपन्स इन सीरीज सर्किट्स। नेक्स्ट देखें, शॉर्ट्स इन सीरीज सर्किट। शॉर्ट्स, शॉर्ट का क्या मतलब होता है? शॉर्ट का भी मैं मतलब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले सर्किट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सर्किट को देखें, दैट इज इन फिगर ए, वी हैव अ 12 वोल्ट बैटरी सोर्स एंड वी हैव थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3। दिस इज अ नॉर्मल हेल्दी रेजिस्टिव सर्किट, इसमें कोई ओपन नहीं है और कोई शॉर्ट नहीं है, एंड करंट I इज फ्लोइंग, इसी तरह करंट I इज फ्लोइंग। अब शॉर्ट करना किसे कहते हैं? शॉर्ट करना कहते हैं किसी भी दो नोड्स को डायरेक्टली अ पीस ऑफ कॉपर वायर जोड़ देना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये है नोड ए, नोड बी, इसके दरमियान को एक एलिमेंट कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1, 1 ओम की। अगर मैं एक पीस ऑफ कॉपर वायर लेता हूँ एंड आई डायरेक्टली कनेक्ट इट फ्रॉम नोड ए टू नोड बी, तो अब मैं क्या कहूंगा, नोड ए एंड बी आर शॉर्टेड, ठीक है, नोड ए एंड बी को मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब शॉर्ट करने से क्या होता है, शॉर्ट करने से जो करंट है ना, इट विल नॉट गो थ्रू R1, करंट विल पास थ्रू दिस शॉर्ट पाथ और फिर अपना नॉर्मल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट, जो नोड्स शॉर्ट किए जाते हैं, वो एलिमेंट सर्किट से आउट हो जाता है, समझे, वहां पे वो एलिमेंट कनेक्टेड ही नहीं है, इट इज गॉन। सर्किट ए बी में देखें, हर चीज सेम है, वोल्टेज सोर्स, नोड ए बी सी डी, इसने क्या किया है, नोड सी को और डी को शॉर्ट कर दिया है, okay? और सी में देखें, 12 वोल्ट सोर्स है, नोड बी एंड डी को शॉर्ट कर दिया है, तो 2 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस, दे आर गॉन। अब करंट का पाथ क्या होगा, करंट का पाथ होगा बैटरी में से निकलेगा, R1 में से गुजरेगा, उसके बाद शॉर्ट पाथ में से गुजरेगा, एंड इट विल गो बैक टू द बैटरी इटसेल्फ। इसमें जो पॉइंट समझने वाला है, आप लोग मुझे चैट विंडो में आंसर दें कि सर्किट ए में जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, क्विकली प्लीज। सर्किट ए में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, क्या वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की? जी वेरी गुड, वेरी राइट, शाबाश, इट इज 6 ओम, शाबाश। अब जो सर्किट बी है, इसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, जिसमें नोड सी और डी को शॉर्ट कर दिया गया? शाबाश, एक्सीलेंट जॉब, इसमें होगी 3 ओम, ठीक है। 3 ओम क्यों रह गया, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टिंग बिटवीन नोड सी एंड डी, रेजिस्टेंस R3 इज गोन, इज आउट, शाबाश, वेरी गुड, सही आंसर आप लोगों का। एंड नाउ गिव मी वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सर्किट सी। जी बताएं, शाबाश, यस एग्जैक्टली, इट इज ओनली 1 ओम, ठीक है।
is 1 ohm only. Excellent job. Very good boys and girls. इसमें आप एक और चीज आप में समझ ले, अब देखें हमारी एक चीज मुझे बताएं, जो मेरी सर्किट ए में देखें, जो मेरे वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट की, वो किस किस नोड के दरमियान कनेक्टेड है, वो मुझे नोड बताएं। किस किस नोड के दरमियान 12 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, जी मोहम्मद एहसन, नहीं मोहम्मद एहसन का आंसर ठीक है, हबीबा अशरफ का भी आंसर ठीक है, वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन नोड ए एंड डी, आप देखें ना पॉजिटिव टर्मिनल ए पे जा रहा है और नेगेटिव टर्मिनल डी पे जा रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन नोड ए एंड डी, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये करता हूँ, मैं नोड ए को और डी को डायरेक्टली शॉर्ट कर देता हूँ, सारे एलिमेंट बाईपास हो जाते हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैंने जो मेरी वोल्टेज सोर्स था उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल शॉर्ट कर दिया, इट इज कॉल्ड डेड शॉर्ट सर्किट, इट इज कॉल्ड डेड शॉर्ट सर्किट। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखें अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है सर्किट की, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 ohm हो गई है इस सर्किट की, तो करंट कैलकुलेट करें, आई इज इक्वल टू 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0 amperes डिवाइडेड बाय 0 ohm रेजिस्टेंस, आंसर इज इंफिनिटी, सो अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ करंट, वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट, और वो इतना हाई होगा और टेम्परेचर इतना राइज हो जाएगा इस वोल्टेज सोर्स का कि इट विल बी डैमेज्ड, ठीक है, ये सर्किट डैमेज हो जाएगा डेड। आप लोग सुनते हैं अक्सर न्यूज में खबरें आती हैं जी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, ठीक है, डेड शॉर्ट सर्किट की वजह से इतना नुकसान हो गया, तो वो ये डेड शॉर्ट सर्किट होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल टर्मिनल्स ऑफ आवर वोल्टेज सोर्सेज आर डायरेक्टली कनेक्टेड विदाउट एनी रेजिस्टेंस और एनी लोड, इसे कहते हैं डेड शॉर्ट सर्किट, और डेड शॉर्ट सर्किट के नतीजे में इनफिनिट करंट फ्लो करता है, इनफिनिट करंट फ्लो करने की वजह से अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, और इस हीट की वजह से आग लग जाती है उस सर्किट में, ठीक है जी, समझ गए कंसेप्ट ऑफ डेड शॉर्ट सर्किट, शाबाश, ओके। ओके अभी हमारे पास टाइम है, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम नंबर 3, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सर्किट को देखें, इसे समझें, एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, ठीक है, अगर आप लोगों को कोई ग्रुप्स बने हुए हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, तो आप लोग डिस्कशन करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन आप लोग अपने व्हाट्सएप पे करेंगे, इस पे जूम पे नहीं, ठीक है, जूम पे सारे पार्टिसिपेंट म्यूट हैं। चलें बेशाबा स्टार्ट कर दें सॉल्व करना इस सर्किट को।